फोटो आपकी वायरल हो रही है, वो कह रहे हैं कि कविंदर गुप्ता जी ने माफी मांगनी थी लेकिन हाथ राजन सिंह हैप्पी, मैंने माफी मांग ली, मेरी बात सुनो, मैंने क्या कसूर किया था कि जो मैंने उससे माफी मांगनी है? कोई मेरा कसूर बताएं कि जो मैंने किया है, मैं कविंदर गुप्ता से माफी मांगूंगा, लेकिन मैंने जो बात बोली हुई है, मैं नहीं बोलूंगा कि मेरी मेम बना दी किसी ने वो किया, मैंने बोला कि जम्मू के डोगरे बादशाह रब दा, जम्मू के डोगरे इकट्ठे रहन दो। युवा राजपूत सभा के मेंबर्स के बीच इस वक्त आपसी रंजिशें चल रही हैं, लेकिन यही युवा राजपूत सभा की अगर बात करें, ये लोगों के मसाइल उजागर करती थी, आज इनके बीच आपसी रंजिशें क्यों चल रही हैं? राजन सिंह हैप्पी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजन जी, क्या वजह बनी, क्यों ये आपसी रंजिश? किसके साथ? आपसी मेंबर्स के साथ, आपके मेंबर्स रिजाइन कर रहे हैं। सारे इधर खड़े हुए हैं, चेयरमैन साहब ने भी रिजाइन कर, वो भी आ जाएंगे, कहीं नहीं गए हैं सारे। क्या बने, ये नाराजगियों की वजह क्या बनी? आप मेरे से बेहतर जानते हैं। एक फोटो आपकी वायरल हो रही है, कह रही है कि, कह रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि कविंदर गुप्ता जी ने माफी मांगनी थी लेकिन हाथ राजन सिंह हैप्पी, मैंने माफी मांग ली, मेरी बात सुनो, मैंने क्या कसूर किया था कि जो मैंने उससे माफी मांगनी है? कोई मेरा कसूर बताएं कि जो मैंने किया है, मैं कविंदर गुप्ता से माफी मांगूंगा, लेकिन मैंने जो बात बोली हुई है, मैं नहीं बोलूंगा कि मेरी मेम बना दी किसी ने वो किया, मैंने बोला कि जम्मू के डोगरे बादशाह रब दा, जम्मू के डोगरे इकट्ठे रहन दो, वो बात मैंने कही है, मैं हॉस्पिटल हूँ। तो हमारा वो शिष्टाचार मुलाकात है, हम जिससे भी मिलते हैं हाथ जोड़ के ही मिलते हैं, नमस्कार हाथ जोड़ के ही करते हैं। नहीं लगता कि जो कोई फोटो खींचने वाला है, रब उनको चढ़ती कलाई में रखे, जो हमारे क्लास लिखने वाले हैं रब उनको भी चढ़ती कलाई में रखे। माँ बावे वाली का सामने मंदिर है, हमारे दिल में किसी के लिए कोई पाप नहीं है, युवा राजपूत सभा के सिपाही हैं, डोगरों की बात करते हैं, यही हमारी पहचान है। आपको नहीं लगता कि लोगों का युवा राजपूत सभा पर काफी ज्यादा भरोसा था, वो भरोसा टूटा लोगों का? देखो, अगर भरोसा ही था तो लोगों ने हमें इतना कुछ कहा है, लेकिन हम ये फिर से उसको, उनके भरोसे को तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। ये हर साल की तरह हमारा जो स्नान हो रहा है, ये देख लीजिए, युवा राजपूत सभा हर साल यहाँ पे स्नान करवाने महाराजा जी को आती है, आज भी उसी कड़ी में हम आए हैं। जिया के हर साल अह महाराज साहब की रैली कड़ने होंने, इस बार भी इं तैयारी की थी है, महाराजा हरि सिंह की रैली जी बाणतला एम डी रिटार्ड को निकलती है और महाराजा हरि सिंह स्टैचू पर आइए खत्म होती है, इं तैयारी की थी है। और इस रैली जल्द अं स्टार्ट की उल्लै रैली ही अज रैला बनी है, क्योंकि अज सारा जम्मू साढ़े कन्ना होंगे, इयै चीज़ लोगों की चुभा दी है कि युवा राजपूत सभा जम्मू की आवाज़ कि बनी है। अस उन्हें भ्राएं हाथ जोड़ी आ गए, भाई तुस भी बनो जम्मू की आवाज़, तुस जोड़ो युवा राजपूत सभा, तुंदे कन्ने पिछे चलग, तुस अगे आवो, लेकिन असें तोड़ने की कोशिश नहीं करा कोई, मेरे भ्रा सारे अगर हाथ जोड़िए जी बिनती है, असें तोड़ने की कोशिश नहीं करा, और जो सा संगठन है ये टुटदा भी नहीं कुछ को, जिन्ना मर्जी कोई जोर लाई लै। कल कुछ भ्राएं आख्या कि मीडिया में भी सारा बड़ा चर्चा होया, पहले तो सारे मीडिया कर्मियों को मैं माफ़ी चाह कि जी कोई वार्ता हुई होग उस सारी मीडिया उत्थे कट्ठी नहीं आई, क्योंकि समय साढ़े को घट हा, तो मैं सारे भ्रा ये आख तुहें हमेशा साड़ा शाना बशाना देरी राती साड़ा साथ दिता, अस तुंदा प्यार इं चाहते हैं और अस भी तुंदे कन्नै उन्ना गै प्यार करने जिन्ना तुस साढ़े कन्नै करदे हो, अस क्षमा चाहे एक बार फिर आख, मैं क्षमा चाह तुंदे सारे मीडिया कर्मियों को, और तुंदा प्यार हमेशा इं बनया रवे, बाकी जी जम्मू की आवाज़ बने दिया हमेशा बनिया रोना। फर्स्ट प्योरिटी इन्हें मेरी महाराजा हरि सिंह की जी अहे रैली कटनी है, रैली कटने बाद जो मुद्दे होने जम्मू के, वो पर जरूर बोलो युवा राजपूत सभा और डोगरा समाज के कन्नै लेइए बोलो।